नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:39 के उपरांत आप सभी का जीवन स्वर्ग जैसा बनने वाला है। जी हां दोस्तों, आप हमारा यह बात को बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी अब अपने रथ पर सवार होगी, आपके घर की ओर चल पड़ी है और आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी का जीवन बदलने से अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, अब यह आपकी इच्छाएं पूरी होकर रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा दी। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी मालामाल होने वाले हो। बस हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, इन सभी बातों को बिल्कुल ही आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही एकांत में अकेले में जाकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात है, ये आपके लिए हीरे मोती उसे भी कीमती है। सबसे पहले दोस्तों, माता लक्ष्मी की सभी सच्चे भक्त प्रिया भक्ति, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है, अपने भक्त से कभी ये नाराज नहीं होते, और नाराज भी होते हैं तो भक्त के भक्ति भाव को देखकर पुनः तुरंत ही परेशान हो जाती है और अपने भक्त के सारे संकट सारे समस्याएं दूर कर देती है। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं में सबसे प्रिय देवी है, जो कि उल्लू की सवारी करती है और अपने भक्त के घर आती है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी आप सभी के घर आने वाली है और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बदलने वाले हैं, परंतु यश में आपको कुछ संकेत मिलने वाले। जी हां दोस्तों, आप तो यह बात जानते ही होंगे, जब भी हमारा जीवन बदलने को होता है या फिर बिगड़ने को होता है तो उससे पहले भगवान हमें कोई ना कोई संकेत अवश्य ही देते हैं, और यह समय भी धन की देवी माता लक्ष्मी आपको संकेत देने वाली है, तो इन संकेतों को आप भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, यह संकेत स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी आपको देने वाली है। कौन कौन से संकेत देंगे, हम उनके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी का जीवन में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, सारी जानकारी ग्रह गोचर पर आधारित है, जिनके बारे में आप सभी को जानना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें, अन्यथा आप जीवन भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी का संकेत आप सभी को मिलने वाले हैं। पहला संकेत है कन्या जी। हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी स्त्री का स्वरूप है। जब भी आपके घर में अच्छा होने को होगा तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपको यह संकेत अवश्य ही देगी। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर आप सभी की जीवन काल में कोई छोटी बच्ची हंसते हुए दिखाई दे, चाहे वह बच्ची आपके घर के ही हो या फिर बाहर की बाहर, यानी अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और बाहर में कोई बच्ची आपको हंसते हुए दिखाई दे या फिर आपको हंसकर देखें, तो इसका सीधा मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी से है। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, इस बात का यह संकेत है। तो आपको समझ जाना है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाली। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह संकेत दिखाई दे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप सक्षम हैं तो नौ कुमारी कन्याओं को 9 साल से कम उम्र के सभी को भोजन के साथ दक्षिण आपको देना है। अगर आप सक्षम हैं थे उन्हें वस्त्र भी दे सकते हैं। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप उनके परीक्षा में सफल हो जाएंगे। फिर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। दूसरा संकेत है माता लक्ष्मी का वाहन पक्षी। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी का सवारी पक्षी है, उल्लू है। अगर आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर आपके आंगन में कोई पक्षी आता है और अगर आपके घर में घुस जाता है, तो इनका सबसे ज्यादा शुभ संदेश है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको माता लक्ष्मी का स्वागत बाद ही धूमधाम से करना चाहिए। अगर कोई पक्षी आपकी छत पर भी अगर बैठ जाती है तो
तो इसका भी बहुत ही बड़ा संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का अनेक रूप होते हैं। अनेक संकेत होते हुए वे साक्षात भले ही नहीं आते, लेकिन ऐसे संकेत अवश्य ही देते हैं कि उनके भक्तों को अनुमान लग जाता है कि उनकी माता उनके घर आने वाली है। और अगर आपके भी घर में यह संकेत आते हैं तो आपको समझना है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। दोस्तों तीसरा संकेत है गाय जी। हां दोस्तों, सभी पशुओं में गाय देवी का रूप है। 33 कोटि देवी देवता गाय में बसते हैं, और अगर आने वाले 24 घंटे के अंदर गौ माता आपके द्वार पर आती है या फिर घूमता आपके दर्शन देती है तो आपको इनका संकेत समझना है कि धान की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, बहुत ही जल्दी आपके मन की इच्छाएं पूरी करने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर गौ माता आपके द्वार पर आकर गोबर करके जाती है तो इसका शुभ संदेश है कि बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। या फिर अगर आपके द्वार पर गौ माता आकर खड़ी हो जाती है तो इनका संदेश क्या है कि माता लक्ष्मी आपसे कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपको माता लक्ष्मी का स्वागत के लिए गौ माता को कुछ आवश्यक खिलाकर वहां से प्रणाम करके विदा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर आकर वापस न चली जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हमारे सनातन धर्म से ही यह चीज चला आ रहा है कि ईश्वर का वास वहीं पर होता है जहां स्वच्छ वातावरण होते हैं। खाने का तात्पर्य है कि जहां पर शाकाहारी चीज होती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर से वापस ना जाए। दोस्तों सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, अगर आपको इनमें से कोई भी एक संकेत मिलते हैं तो आप आने वाले 24 घंटे के अंदर अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इसमें थोड़ा शादी कमी भूल कर भी ना करें। धन की देवी माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा देवी है, अन्य धन्य से आपका घर को भर देंगे बाशर्ते आपको माता का इन बातों का ध्यान रखना है। आने वाले 24 घंटे के अंदर दूसरा चीज, आपको अपने घर में शांति का माहौल बनाकर रखना है। ज्यादा हो हल्ला होने से धन की देवी माता लक्ष्मी घर में नहीं रहती, और जिनके भी घर में हो हल्ला होते हैं, खासकर रात के टाइम, शाम के टाइम, ऐसे समय में माता लक्ष्मी वापस चली जाती है, तो आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा जो ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर स्वच्छ वातावरण ना हो भगवान कभी भी वहां बात नहीं करते, तो आने वाले 24 घंटे के अंदर इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये सुमित आपको ईश्वर की वातावरण अपने घर में बनाना है, भक्ति भजन आपको सुनना है, हो सके तो आप कोई पुराण भी पढ़ सकते हैं जिसे ईश्वरीय शक्ति आपके ऊपर वास करें। जी हाँ दोस्तों, इसे ईश्वर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रश्न होंगे और आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी का भाग्य बदल कर रख देंगे। तो लिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बदलाव आखिर 24 घंटे के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी करने वाले हैं, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, पारिवारिक जीवन में, घर की माहौल में, स्वास्थ्य को लेकर कौन कौन सी बड़ी बदलाव होंगे, करियर के क्षेत्र में आपको कौन कौन सी नई उड़ान देखने को मिलेगी, या फिर कौन कौन से आपके अधूरे कार्य बनेंगे, सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। साथ ही साथ आपको कौन कौन से क्षेत्र में सावधान रहना होगा, सारी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है, तो आप इस वीडियो को आगे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेंगे। हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे दुख दर्द माता शीघ्र ही समाप्त कर दे। तो लिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है, अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आज आपका मन खुश होगा और आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने का आनंद लेंगे। थोड़ी कोशिश और करें, आज भाग्य आपका साथ जरूर देगा क्योंकि यह आपका दिन है।
कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। सोचने से पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं, वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं, कुछ दिलचस्प पढ़कर थोड़ी दिमाग ही कसरत करें। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका आप फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आज आपके सामने आई हैं। भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। जो काम आपने किया है, उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है, तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ खरीदारी मजेदार रहेगी, इससे आप दोनों के बीच की समझ में भी इजाफा होगा। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन विशेष रहने वाला है। दिवा स्वप्नों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुघालते में न रहें कि दूसरे आपका काम करेंगे। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खरुश है। आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। रचनात्मक काम आपको सुकून देगा। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अपने बॉस वरिष्ठों को घर पर बुलाने के लिए अच्छा दिन नहीं है। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च न करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कूदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी डीढ़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्पी दिखा सकता है,
लेकिन दिन के आखिर तक आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने जीवन को चिरस्थायी न माने और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। सही समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। अपनी कोशिशों को सही दिशा दें और आपको असाधारण कामयाबी से नवाजा जाएगा। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आज घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की जरूरत है। खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार न दें, और यदि देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित में लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। आज अपने प्रिय को माफ करना न भूलें। बद्धे व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। किराने की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। सुकून हासिल करने लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ा डीडीएच सकता है। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। आपकी कड़ी ढी आई मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी व दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। आपके माता पिता आपकी फिजूल खर्ची को देखकर आज चिंतित हो सकते हैं और इसलिए आपको उनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है, इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहें। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय दीकर आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। सडन डेक पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मोद्धों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं, हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम का हायतम करके घर पर आराम करें। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा ना होगा, केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी।
आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एक आग्रता लाने की जरूरत है। एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। शुभॉल, आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भागदौड़ डीएच का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है। इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचड्ढे में भी पड़ डीएच सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ रहता है, इसीलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहनें। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखें। अगर दर्द बरत जाए तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह करें। आज का दिन मजे और कार्ड्स के नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आप पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपके इस आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी यह सबसे अच्छा दिन है।
आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है, लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें, क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूं। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन चिंता ना करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थाई तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूलें।